कानून के रक्षक जिनका काम प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना है, लेकिन इन कानून के रखवालों ने एक दलित परिवार को इस कदर प्रताड़ित किया कि एक बेकसूर महिला परेशान होकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी और उसने मौत को गले लगा लिया। कटनी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बड़वाना तराई पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन महिला की आत्महत्या मामले पर निष्पक्ष जांच कर थाना प्रभारी को निलंबित करने और दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए किया गया था। आपको बता दें, दो दिन पहले बड़वाना निवासी सुखीलाल चौधरी और उनकी पत्नी फगुनिया बाई चौधरी ने चोरी के मामले में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जहरीली दवा का सेवन कर लिया था, जिसके बाद पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई और पति अब भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, जिसके चलते परिजनों ने पहले जिला अस्पताल और उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर बड़वाना तिराहे पर महिला का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर बड़वाना तहसीलदार मनीष शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। महिला की बड़वारा या इसे बर्खास्त किया जाए, उन्होंने कहा कि जांच के बाद हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, जांच में पाए जाते हैं तो भी करेंगे, नहीं भी पाए जाते हैं उसके बाद भी हम यहां से बड़वारा TI को हटा देंगे। इस मामले पर अनुविभागीय अधिकारी शालिनी परस्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के परिजनों ने ज्ञापन सौंपा है, पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़वारा थाना अंतर्गत चोरी का जो मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जो भयादी पक्ष थे उनमें से एक महिला थी फगुनिया बाई, उनका निधन हो गया। उस संबंध में जो परिवारजन हैं उन्होंने जो बड़वारा तिराहा है वहां पर धरना प्रदर्शन किया था और अभी जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।